आज रायपुर में प्रेस वार्ता के दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे समय में जब यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई थी तब मैंने बैठक में कहा था कि यदि आप ये भरमार बंदूकों की जब्ती दिखाएंगे तो मैं उस समय भी बोला था मैं मालखाने में जाकर भरमार बंदूक की गिनती कराऊंगा। इसलिए 5 साल में भरमार बंदूक की जब्ती में भारी गिरावट आई है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि रायपुर में प्रदर्शन के लिए पहुंचे सभी कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद। साथ ही क्या कुछ कहा सुनिए। दीपक जी को और आदरणीय मैं जी को लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने गाँव की ज्वलंत मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सड़क तक पूरी रणनीति के साथ पूरे सूझबूझ के साथ जो लड़ाइयाँ लड़ी उसका पूरा प्रभाव आम जनता पर बहुत अच्छा पड़ा है। विधानसभा सत्र 22 तारीख को हुआ लेकिन रणनीति बनाने के लिए 21 तारीख को ही शाम की विधायक बैठक रखी गई और उस दिन तैयारी की शुरुआत हुई और दूसरे दिन ही 22 तारीख को बलौदाबाजार की घटना को लेकर गांव विपक्ष पूरा आक्रामक तरीके से उसी विधानसभा में लगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार है उदयपुर में 24 तारीख को विधानसभा के घेराव हुआ। विधानसभा के घेराव में पूरी प्रदेश भर से बस्तर से लेकर सरगुजा तक सब साथी आए थे, आम जनता भी आए थे, जबरदस्त उपस्थिति रही है हजारों के तादाद में और विधानसभा घेराव करने निकले तो हमारे बहुत सारे साथी घायल हुए, पुलिस ने मारा भी, पीटा भी, हाथ पटका भी, उसके बावजूद भी पीछे हटे नहीं। आदरणीय साथियों, 7 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल साबित हुई है। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी हो चुका है। विष्णु देसाई की सरकार रिमोट कंट्रोल सरकार है, सुशासन की बात तो छोड़िए, सरकार है भी कि नहीं इसका पता नहीं चल रहा है और चल रहा है तो रिमोट से चल रहा है। आज इसके कारण से 7 महीने में ही रेत माफिया, भू माफिया, गांजा तस्कर, ड्रग तस्कर, मानव तस्कर, गौ तस्कर सबका बोलबाला पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है और स्थिति ये है कि रायपुर राजधानी में 4-4 बार गोलियां चली, भिलाई में गोलियां चली, रायगढ़ के लोग जाके दूसरे प्रदेश में गोली चला रहे हैं। इस प्रकार से अब प्रोटेक्शन मनी के लिए यहां गोली चला रहे हैं, व्यापारियों के घर में घुस के धमकियां दे रहे हैं, मारपीट। माननीय चरणदास महंत जी और विशेष रूप से उपस्थित हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, सुशील आनंद शुक्ला जी और तमाम हमारे स्पोक पर्सन और हमारे सीनियर नेता, पीसीसी के पदाधिकारी, पूर्व विधायक साथीगण और सभी हमारे आदरणीय पत्रकार साथीगण, आदरणीय साथियों, इस मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर और सदन के बाहर जनता के मुद्दों को लेकर आक्रामकता साथ लड़ाई लड़ी है। मैं आपके बीच में सदन की बाहर की बातें रखूंगा, बाकी सदन के अंदर बात हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय महंत जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रखेंगे। आदरणीय साथियों, पिछले 5 दिनों में सदन से लेकर सड़क तक हमने जनता की लड़ाई लड़ा है। बिगड़ती कानून व्यवस्था से डरी सहमी जनता के भीतर हमारी लड़ाई से भरोसा पैदा हुआ है। हमने बता दिया कि छत्तीसगढ़ में जनता के हकों की रक्षा के लिए कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में लगातार बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर, लचल कानून व्यवस्था को लेकर लगातार लूट, हत्या, डकैती, चोरी, अपहरण, चैन स्नेचिंग, लगातार खुलेआम गोलीबारी,